नमस्कार। हमारा आज का विषय है सावन का महीना चढ़ा है। बम बम बोले शंकर भोलेनाथ का ये महीना माना जाता है। हमसे सवाल किया गया, हमें आपसे ये पूछा है कि सावन के महीने में कौन सा ऐसा उपाय है जिससे घर में सुख समृद्धि हो, अभावों का नाश हो। कुछ ऐसा हमें सटीक उपाय बताइए जिससे सावन के महीने का हम सही उपयोग कर सकें। तो आज आपको मैं छोटा सा बहुत सटीक उपाय बताने लगा हूँ सावन के महीने में करने वाला उपाय। क्या करना, सीधा सा साधारण था क्या करना आपने, गन्ने का रस लेना। गन्ने का रस, शुगर के गन्ने का रस लेना है आपने। एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, चार, जितना भी आप ले सकते हैं। मशीन से, जहां दुकान से लेना है उसके मशीन पे उनका अच्छी तरह धो लें, क्योंकि उसमें नमक, नींबू, मसाला वगैरह कोई भी उसमें नहीं आना चाहिए। आप जो रस, गन्ने का रस, गन्ने का जूस ले रहे हैं उसमें किसी तरह का ये चीज़ें नहीं आने चाहिए। नींबू का प्रभाव हो, नमक का हो, या किसी मसाले, ये नहीं आना। साफ सुथरा शुद्ध वहाँ से लेकर आइए। वो आपने गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाना है, सोमवार के सोमवार आपने चढ़ाना है। ये गन्ने का रस सोमवार के सोमवार आपने चढ़ाना है। हाँ, एक और बात, सोमवार, सावन की सोमवार, एक सोमवार के एक छोड़ के दूसरे सोमवार या तीसरे, चौदह, चौथे सोमवार क्या करना आपने, एक चांदी का टुकड़ा, चांदी का सिक्का मिल जाए, एक रुपए का सिक्का मिल जाए प्योर चांदी, या चांदी का छोटा टुकड़ा कोई भी हो, किसी मतलब के उलझन समस्या में नहीं डालना। चांदी का सिक्का घर में थोड़ा सा चांदी का सिक्का हो, चांदी का कोई टुकड़ा हो, उससे फ्लैट चांदी का, ये नहीं को वाली हो, ये नहीं है, उसका फ्लैट काट के उसका थोड़ी से उसे मार दीजिए, उसे काट लीजिए, उसका टुकड़ा चौथा टुकड़ा काट लीजिए, उसको गन्ने के रस में आपके डोल में, गड़वी, कोई भी जो बर्तन आप लेकर जाते हैं जिसमें रस डाल के आपने चढ़ा, उसमें आपने वो सिक्का डालना है। उसके बाद उसको वहाँ डालना, शिवलिंग पर डालना, सिक्के समेत शिवलिंग पर वो डालना है। हाँ, जब भी आपने रस डालना है उसके बाद एक रुपया, दो रुपये, कुछ भी चेंज शिवलिंग पर चढ़ाना है। ये आप याद रखिए, जब भी आगे पीछे भी आप शिवलिंग का जब जल चढ़ाते हो, लेकिन सिक्का, पैसे, एक दो रुपये डालना कभी मत भूलना, ये जरूरी होता है। हाँ, यदि ये आप रोज कर दें सावन के महीने में, सावन हर रोज, जितना सावन एक महीने में रोज शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ा गए, फिर तो देखो क्या कमाल हो जाता, वो हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास, लोगों ने किया। वो कहते हम रोज चढ़ा लें, मैंने कहा रोज चढ़ा लो, मज़ा आ जाएगा। ये तो बहुत ही सटीक उपाय है, आप इसे करके देखिए आपके घर में क्या कुछ हो जाएगा। भोले बाबा की मेहरबानी हो जाएगी, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, घर खुशहाल हो जाएगा। ये है सावन के महीने के करने का आपको मैंने उपाय किया, जो किसी जमाने में मैं भी किया करता था, मैंने भी किया, सब लोगों को ये करा, सबसे बढ़िया उपाय है। और इसमें जाप क्या करना, भोले का वही एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोले बाबा, हमें कुछ नहीं पता, तू जाने जान, हे प्रभु हमारे कष्टों को दूर कर, लक्ष्मी प्राप्ति दे, इस सुख समृद्धि दे। जे आप चार सोमवार, जितने सावन के महीने सोमवार आते हैं, सोमवार के सोमवार करिए। यदि कर सकते हो रोज करके देखिए, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये है सावन के महीने का उपाय। आज बात इतना ही, फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।